पृथ्वी पर एक असुर हो गया था। ध्यान देना, इस पृथ्वी पर एक असुर पैदा हो गया था। वो देवताओं को परेशान कर रहा था। आकाशवाणी हुई तो कहा, आप दधीच महात्मा की हड्डियों का धनुष, उनकी हड्डियों से जितने भी अस्त्र शस्त्र बनवाओगे आपस में बांट लेना। महाराज दधीच महात्मा जी के पास में गए, दधीच महात्मा जी से कहा तो उन्होंने एक गाय बुलाई। कामधेनु गाय आई, उसने दधीच महात्मा के शरीर को चाटना शुरू कर दिया। दधीच महात्मा के शरीर को चाटना शुरू कर दिया कामधेनु गाय ने। चाटते चाटते आज हड्डियां रह गई, हड्डियां रह गई महाराज। तब तो पांच यंत्र बने हैं महाराज। पांच यंत्र कौन कौन से बने हैं? वज्र बना, वो इंद्र को दे दिया। विजय नाम का धनुष था, वो परशुराम को दे दिया। वज्र बना, वो इंद्र को दे दिया। विजय नाम का धनुष बना, वो परशुराम को दे दिया। और महाराज एक बनी मुरली, वो मुरली भोले बाबा ने ले ली। और महाराज एक सारंग नाम का धनुष बना, वो विष्णु भगवान ने ले लिया। एक वज्र बना, इंद्र को दे दिया। एक विजय नाम का धनुष बना, वो परशुराम को दे दिया। एक मुरली बनी, वो भोले बाबा ने ले ली। एक सारंग नाम का धनुष बना, वो विष्णु भगवान ने ले लिया। और एक महाराज जो दधीच के पिनाक की हड्डियों का जो धनुष बना था ना, वो धनुष भी भोले बाबा ने ले लिया। यानी कि दो यंत्र भोले बाबा ने ले ली, एक धनुष और एक मुरली। मुरली जब भोले बाबा भगवान कन्हैया का अवतार हो गया था, उसके बाद मिलने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, तो भोले बाबा ने वही मुरली भगवान कन्हैया को भेंट में दी थी। महाराज वो धनुष भोले बाबा के पास में है। आज उस धनुष को रावण ने देखा, विचार कर रहा है क्या करूं, भोले बाबा के पास में जो धनुष है उसे मैं प्राप्त कर लूं। उसने भोले बाबा का भजन किया, भोले बाबा का भजन किया। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहने लगे रावण से, क्या मांगना चाहता है मांग ले। रावण कहने लगा, प्रभु आपके पास जो धनुष रखा हुआ है, वो धनुष यदि आप हमें दे दो तो बड़ी खुशी की बात है। और भोले बाबा इतने भोले थे कि महाराज वो धनुष भी आज उन्होंने रावण को दे दिया। धनुष तो बहुत छोटी सी बात है, जब महाराज भोले बाबा ने अपनी लंकापुरी का निर्माण करने के बाद में गृह प्रवेश किया, पूजन के लिए रावण को बुलाया, रावण ने वो सोने की लंका मांग ली, भोले बाबा ने वो सोने की लंका भी दे दी। रावण को इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि रावण के जैसा भक्त भोले बाबा का आज तक पैदा नहीं हुआ है। जिस समय रावण मंत्रों का जाप करता था, भोले बाबा के मंत्रों का जाप करता था रावण, तो महाराज पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। आज भोले बाबा ने उस धनुष को रावण को सौंपा। सौंपने के बाद में रावण से कहा, रावण इस धनुष को जिस जगह पर ले जाना चाहते हो जाकर के उसी जगह पर रख देना। यदि बीच में आपने इस धनुष को रख दिया भूल करके भी, तो आप इस धनुष को उठा नहीं पाओगे। रावण उस धनुष को लेकर के आया, और जैसे ही आया, आते आते आज महाराज जनकपुरी में आ गया। महाराज जनक के दरवाजे पर आकर के आज रावण को लघु शंका लगी,
उसने उस धनुष को रख दिया। लघु शंका के लिए चला गया, जाकर के हाथ पैर धुले और धुलने के बाद जैसे आया उस धनुष को उठाना चाहा तो रावण ने उस धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने इतना जोर लगाया, इतना बल लगाया, लेकिन उस धनुष को उठा नहीं पाया, छोड़ करके चला गया। भोले बाबा ने कहा भी था, अगर इस धनुष को तुम जिस जगह पर रख दोगे दोबारा उसे उठा नहीं पाओगे। आज रावण तो वहां से चला गया। आज महाराज जनक ने पत्र लिख करके भेजे राजा महाराजाओं के लिए। पत्रों में लिखा जो भी वीर आकर के इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। ये कुछ विद्वान कहते हैं कि ये रावण की पुत्री है सीता, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये रावण की पुत्री है सीता। रावण की पुत्री कैसे है? भैया तुम तो बड़ी पंचायत कर रहे हो, पंडाल में बैठ रहे जाओ हैं, 5 बजे के बाद खूब बतलाएंगे। आज ये रावण की बेटी कैसे हुई? विद्वान कहते हैं रावण के यहाँ पर जो भी संत आया करते थे उनकी सेवा करता था ये रावण, तो महाराज उनसे कर के रूप में रक्त दान में लिया करता था, तो रक्त को इकट्ठा एक घड़े में कर लिया। संतों का रक्त लेकर के एक घड़े में इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में एक दिन रावण किसी काम के लिए कहीं चला गया था। अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा देवी, और उस घड़े में ऊपर लाल कपड़ा बांध दिया था। और रावण ने कहा मंदोदरी से, देवी इस घड़े को खोल करके मत देखना, इसे आप ऐसी जगह छुपा करके रख दो, जब मैं आऊंगा तुमसे इस घड़े को मांग लूंगा। रावण उस घड़े को दे करके चला गया। मंदोदरी से रहा नहीं गया महाराज, मंदोदरी ने जा करके चुपचाप एक कमरे में उस घड़े को खोल करके देखा। खोल करके देखा तो महाराज उसमें अंगुली डाली, अंगुली में जब रक्त लग करके आया, मंदोदरी ने क्या किया, उस रक्त को अंगुली में लगा हुआ था जीभ पर रख लिया, चाट लिया। मैया ने सोचा ये तो रक्त है, लेकिन मैया ने उस रक्त को जैसे चाटा, मैया गर्भ को धारण करती है। महाराज मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, विचार कर रही थी क्या करूं, इस गर्भ को कैसे खंडन करूं। महाराज आज रावण लौट कर के कई दिनों बाद आया, कई महीनों बाद आया, मंदोदरी गर्भ से थी, रावण को नहीं पता। तो मंदोदरी रावण को, रावण से आज बोली, महाराज हमने सुना है आपकी गर्जना बहुत भयानक है। मंदोदरी ने रावण से कहा, महाराज आपकी गर्जना बहुत भयानक है, आप अपनी गर्जना एक बार हमें सुना दो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि आपकी गर्जना से माताओं के गर्भ खंडन हो जाते हैं। मैंने लोगों के मुख से सुना है कि आपकी गर्जना से माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। अच्छा महाराज एक बार सुना दो। रावण आज मंदोदरी को एकांत में लेकर के गया। रावण आज मंदोदरी को एकांत में लेकर के गया जंगल में। अब महाराज आज रावण ने जैसे गर्जना की है, मंदोदरी के जो गर्भ था वो आज खंडन हो गया।
मंदोदरी ने उस पिंड को लिया, लेकर के एक लाल कपड़े में उसी कड़े में रख करके महाराज जनक के दरबार में रात्रि में कड़वा दिया। उसी के बाद महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। सूखा पड़ने से महाराज जनक के राज्य में आज हल चलाया गया, तो महाराज वो हल उसी मटकी में जाकर के अटक गया। खोद करके देखा, खोद करके देखा, गड़े को निकाला तो उसमें से एक कन्या की आवाज आई। उस मटकी को फोड़ा, उसमें एक पुत्री थी। महाराज जनक ने उसे कलेजे से लगा लिया, उसका नाम सीता रख दिया। कहते हैं श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, लक्ष्मण की बहन भी लगती है और भौजाई भी लगती है, ऐसा क्यों बताया। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो अवतारी लक्ष्मण है ना, ये धरती मैया से उत्पन्न है और सीता कहाँ से उत्पन्न हुई, धरती से। तो सीता भी धरती मैया के पुत्री हैं, शेष नाग अवतारी लक्ष्मण ये भी धरती मैया के पुत्र हैं। इस तरीके से दोनों बहन भाई हुए और उन्होंने बताया है सीता है ना, ये राम के साथ में इनका विवाह हुआ है, इसलिए ये लक्ष्मण की भाभी हुई है। अब महाराज ध्यान देना, लक्ष्मण की कन्या सुलोचना थी, लक्ष्मण की कन्या सुलोचना थी, जो मेघनाथ को जाई गई, जो मेघनाथ को जाई गई। अरे ससुर दामाद
के ऊपर हुई है। इस तरीके से महाराज लक्ष्मण की बहन भी है सीता और लक्ष्मण की भाभी भी है। आज प्रभु श्री राम विश्वामित्र के साथ में कहां पर पहुंचे? आजमगढ़ में। राम लक्ष्मण जंगल में चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में एक शिला पड़ी जो स्त्री का रूप धारण किए हुए थी। प्रभु श्री राम की उस शिला पर नजर पड़ी, विश्वामित्र को रोक लिया। गुरुदेव, ये एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक स्त्री जैसा लग रहा है। विश्वामित्र कहने, बेटा राम, ये वास्तव में स्त्री है। स्त्री है किसकी है? गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या। अहिल्या, ये पत्थर कैसे बन गई? विश्वामित्र समझाने लगे, बेटा पत्थर तुझे ऐसे बनी। एक बार अहिल्या को इंद्र ने देख लिया, इंद्र मोहित हो गया। आज मन में विचार करने लगा कि मैं कैसे भी करके अहिल्या के साथ में छल कर दूं। तो महाराज बलवान तलक झुकी के अंदर ऐसी क्या चीज छुपी हुई है जो महाराज बड़े बड़े वीर पुरुष यानी कि देवता तलक भी झुक जाते हैं। इंद्र ने अहिल्या में ऐसा क्या देखा, अपनी इतनी सुंदर नारी को छोड़ दिया। विश्वामित्र ने मेनका में ऐसा क्या देखा जो अपना धर्म ही छोड़ दिया, भगवान का गुणगान छोड़ दिया। बेटा ये अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी। एक बार इंद्र ने इनके साथ में छल किया तो सबसे पहले चंद्रमा के पास में पहुंचा। चंद्रमा से कहा, चंद्रमा भैया आज मेरा एक काम निकाल दो। बोले कौन सा? आप ऐसा करना, आप मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि के दरवाजे पर बांग लगा देना। गौतम ऋषि बांग के पक्के हैं, वो गंगा पर स्नान करने के लिए चले जाएंगे, मैं अहिल्या के साथ छल कर दूंगा। चंद्रमा ने कहा ठीक है, कितना है तुम नकटी हम बोरा, जोग में जो सुनेरा। चंद्रमूर्ति सही रहे, उसने भी इंद्र से कह दिया, चिंता क्यों कर रहा है जब तेरा भाई जिंदा है, चल आज तू जो कहेगा वही करूंगा। चंद्रमा ने
इंद्र की बात को मान करके आज मुर्गा का रूप धारण किया, गौतम ऋषि के दरवाजे पर पहुंचे दिन के ठीक 12 बजे। रात के ठीक 12 बजे उस मुर्गे ने बांग लगा दी। गौतम ऋषि ने देखा कि मुर्गा बोल गया है, मुझे लगता है सवेरा हो गया। गौतम ऋषि ने अपने वस्त्र उठाए, कमंडल उठाया, सीधे गंगा के किनारे पर जाकर के पहुंच गए। जैसे ही गंगा में जाकर के अपने वस्त्रों को डुबोया, गंगा मैया जाग जाती है, जाकर के कहने लगी गौतम ऋषि से, बेटा तुम इस समय क्या करने के लिए आए हो? अभी तो बेटा रात्रि के 12 बजे हैं, 12। मुझे तो लग रहा है गौतम तुम्हारे साथ में छल हो गया। माँ मेरे साथ में छल? बोले हाँ, तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारे घर कुछ गलत हो गया है। आज गौतम ऋषि भींगे वस्त्रों को लेकर के आज अपने घर कुटिया पर लौट करके आए, देखा दरवाजे पर चंद्रमा मुर्गा बनकर के बैठा है। गौतम ऋषि ने अपने भींगे वस्त्रों को उस चंद्रमा उस मुर्गे में मार दिए, तभी से उस चंद्रमा में दाग लग चुका है। अंदर पहुंचे, अहिल्या थी और महाराज दूसरे रूप में इंद्र गौतम बनकर के खड़ा है। गौतम ऋषि ने आज इंद्र को देखा, उसी समय क्रोध आया, अपनी पत्नी से अभद्र भाषा में बोलने लगे, अरे दुष्टनी पापनी, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे ये नहीं पता कि तेरा पति स्नान करने के लिए गया है? तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए जो तूने अपने पति विरुद्ध धर्म को पहचान नहीं पाया? आज उसी समय हाथ में जल लिया और अहिल्या में छींटे मार दिए, श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा। उसी समय अहिल्या पत्थर की बन गई, उसी वन में पड़ी है। प्रभु श्री राम से विश्वामित्र ने कहा, बेटा इनका आप उद्धार कर दो, इनका आप उद्धार कर दो। उसी समय प्रभु ने विश्वामित्र के कहने पर आज उस अहिल्या का उद्धार किया है। प्रभु ने जैसे ही अपने पैरों को ऊपर किया, पैरों के नीचे से रज उड़कर के अहिल्या के ऊपर जाकर के लग गई। रज यानी कि प्रभु के चरणों की धूल अहिल्या के शिला पर जाकर के जैसे ही लगी, अहिल्या परम सुंदरी बन जाती है। पैर छुआ भी नहीं,